हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम जंक्शन। तो आज हम बात करेंगे एयर ट्रैवल विद बेबी। हमारे सारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। वेलकम टू मॉम जंक्शन। तो इस टॉपिक को हम कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहली चीज ये कि आपको पता है कि आपको अपने बेबी के साथ ट्रैवल करना है। तो मैंने मेरी बेटी के साथ ट्रैवलिंग में ट्रैवल किया था, तब वो 8 मंथ की थी और मुझे भी थोड़ा टेंशन होता था कि कैसे होगा, वो एडजस्ट होगी कि नहीं। लेकिन उसने बहुत आराम से वो जर्नी किया और हमने प्लेन में 2 बार ट्रैवल किया था और इट्स वाज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस विथ माय डॉटर। उसके पहले मैंने काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा था। तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर दोस थिंग विथ यू एंड आई होप यू विल ऑल्सो बी बेनिफिटिंग फॉर ऑल। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्लानिंग अहेड। तो आपको जब भी बेबी के साथ ट्रैवल करना है, आपको पता है कि बेबी के साथ कहीं जाना है, वैकेशन प्लान है, तो आपको पहले से ही प्लानिंग करना पड़ेगा। क्योंकि एकदम से आप बोलोगे कि वीकेंड पे किसी के घर पे जाते हैं या कहीं पे घूमने जाते हैं, तो अब ये सिचुएशन वो बेबी के साथ पॉसिबल नहीं है। तो आपको पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी हम बात करें कि कीप अ रिलैक्स शेड्यूल। मतलब आप कहीं पे वैकेशन पे जा रहे हो या कहीं फैमिली को लेके विजिट कर रहे हो, जो भी आपका प्लान है, आप उसे टाइट मत रखो, हमेशा उसको रिलैक्स शेड्यूल में रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आज आप कहीं पे घूमने जा रहे हो और तो वहाँ पे आसपास से ही जगह पे ही विजिट कर लेना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे दिन उसी पे ही जगह पे जाके और दूसरे जगह पे विजिट करो, क्योंकि ये बेबी के साथ पॉसिबल नहीं है। बेबी एकदम से इरिटेट हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, तो ये सिचुएशन बेबी के साथ पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर कोई जगह विजिट भी नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, आप अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करो और वैकेशन एंजॉय करो। तीसरा हम बात करेंगे मेक अ लिस्ट फॉर द ट्रैवल पैकिंग। मतलब आप बेबी के साथ कहीं पे वैकेशन पे जा रहे हो या कोई जर्नी है, तो आपको क्या करना है कि पहले से एक लिस्ट बनाना है। इससे क्या होगा कि आप कोई चीज़ लास्ट टाइम पे भूल नहीं जाओगे, क्योंकि कोई चीज़ बेबी का भूल जाते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। हम बड़े तो एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन बच्चे क्यों एडजस्ट करेंगे। इसीलिए आपको पहले से एक लिस्ट बना लो और उस लिस्ट को ध्यान में रखते ही आपको पैकिंग करना चाहिए। चौथा ये कि बुक डायरेक्ट फ्लाइट। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हो सके तो डायरेक्ट फ्लाइट ही लो। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जगह का एक्सेस ही नहीं होता है कि आपको फ्लाइट चेंज करनी पड़ती है। वो ठीक है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट ही लो। क्योंकि अगर आपने कनेक्टिंग फ्लाइट ली तो क्या होता है कि उसमें बैठे टेकअप होता है, लैंडिंग होता है, फिर से टेकअप होता है, लैंडिंग होता है, तो उसमें बेबीज क्रैंकी हो जाते हैं। इसीलिए आप डायरेक्ट फ्लाइट लो, एक बार फ्लाइट में बैठे, टेकअप हुआ, लैंडिंग हुआ और आपका पूरा एक्सपीरियंस वहां पे खत्म हो गया और बेबी के लिए भी इजी रहेगा। अगला टिप ये है कि फ्लाइट का जो टेक ऑफ टाइम है उसको प्लान करो अपने बेबी के स्लीप टाइम पे। बेस्ट है कि डे टाइम पे ही फ्लाइट की जर्नी हो जाए, क्योंकि बेबीज दिन में छोटे छोटे नैप लेते हैं तो उनमें उनको पता ही नहीं चलेगा। हमने क्या किया था, 1 बजे की फ्लाइट बुक की थी, जैसे ही टेक ऑफ हुआ हमारी डॉटर ने फीड किया और वो सो गई। तो हम बात करेंगे मेडिकल प्रिकॉशन के बारे में। ये बहुत ही जरूरी है, अगर आप जाने वाले हो, सपोज उस टाइम पे ही आपकी बेबी का वैक्सीनेशन है, तो आप डॉक्टर से जरूर मिल लें। क्योंकि वैक्सीनेशन जाने के पहले कम से कम 10 दिन पहले हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आज आपने बेबी को वैक्सीनेशन दिया और कल आप ट्रैवल करने वाले हो, ऐसा बेबी के साथ नहीं होना चाहिए। और बेबी को लेके आप जब ट्रैवल कर रहे हो तब साथ में फर्स्ट एड लेके जाओ, जो नॉर्मल दवाइयाँ होती है जैसे कि कोल्ड कफ की, फीवर की, वॉमिटिंग की, वो सब दवाइयाँ साथ में रखो, क्योंकि कोई इमरजेंसी हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला टिप मेरा ये है कि रीच द एयरपोर्ट अहेड ऑफ टाइम। मतलब अगर आपकी फ्लाइट का जो भी टाइम है, हमें नॉर्मली बोला जाता है कि एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए, तो आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि बेबी उस सिचुएशन में या उस एटमोसफियर में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो उस टाइम पे वो एडजस्ट हो जाता है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको लंबी क्यू में खड़े नहीं रहना पड़ेगा।
दूसरी चीज ये कि आप अपनी पसंद की सीट ले सकते हो, और अगर आपका ऑनलाइन चेक इन अवेलेबल है तो आप अपनी फ्लाइट में वो भी जरूर कीजिए, और ट्राई कीजिए कि जो फ्रंट सीट है वो लेने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे लेग स्पेस ज्यादा रहता है वहां पे आप अपनी सीट लेने की ट्राई कीजिए, जिससे क्या होगा कि बेबी को थोड़ा आप वहां पे बेसिनेट में सुला सकते हो, और शायद बेबी रोएगा तो अब दूसरे पैसेंजर को डिस्टर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट टिप मेरा ये है कि कीप द डायपर बैग इन फ्लाइट, तो फ्लाइट में डायपर बैग लेके जाए, और याद रहे कि आपको डायपर बैग को चेक इन में नहीं देना है, वो बैग आपको अपने साथ लेके जाना है, और जो एक्स्ट्रा लगेज है वो आप चेक इन में दे दो। और मेन थिंग ये कि डायपर बैग में एक्स्ट्रा डायपर होने चाहिए, वेट वाइप्स रखो, और जो टॉयलेट के ऊपर जो डायपर चेंज करने की सीट होती है वो हाइजीन नहीं होती है, तो आप इसके लिए आपको एक चेंजिंग मैट रखना है, जिससे क्या होगा कि वो मैट को आप डायपर चेंजिंग सीट के ऊपर रख दो और अपने बेबी को डायपर चेंज करवा सकते हो। बेबी का पूरा फीडिंग का सामान रखो, बॉटल, ब्रशेस, फीडिंग बाउल, फीलिंग बॉटल्स, जो भी है वो आप पूरा सामान रखो। अगर आपका बेबी सॉलिड ले रहा है तो आप उस टाइम पे सेरेलेक दे सकते हो। इसके लिए आपको एक फ्लास्क में गर्म पानी भी लेना है, इस भी अपने डायपर बैग में जरूर रखे, क्योंकि बेबी को एक जगह पर टिक के बैठना है, इसीलिए आपको टॉयज लेना बहुत जरूरी है। तो वो आप टॉयज लोगे तो आपका बेबी बिजी हो जाएंगे, और मेन थिंग यहाँ पर ये है कि आपको टॉयज सरप्राइजिंग टॉयज लेना है, जिससे क्या होगा कि आपका बेबी बिजी हो जाएगा, और इसके लिए खेलने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड होके खेलेगा। नेक्स्ट मेरा टिप है कि ऑलवेज फीड द बेबी एट टेक ऑफ और लैंडिंग टाइम, मतलब जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है तब एयर प्रेशर ज्यादा होने से कानों में थोड़ा दर्द रहता है, और बेबी को दर्द होने से वो बहुत रोते हैं, तो आपको क्या करना है कि जब टेक ऑफ होता है या लैंडिंग होता है तब उस टाइम पे बेस्ट है कि आपको फीडिंग स्टार्ट करवा देना चाहिए। आप फीडिंग में उनको बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हो या बॉटल फीडिंग भी दे सकते हो, और अगर आपका बच्चा फीडिंग नहीं ले रहा है तो आप उस टाइम पे बेबी को पैसिफायर दे दो, और बच्चा वो आराम से उसको पता ही नहीं चलेगा और वो जर्नी आराम से क्लियर कर देगा। अगला मेरा टिप है कि कीप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथिंग और लाइक अ थीन जैकेट और ब्लैंकेट, मतलब फ्लाइट में क्या होता है कि टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो गर्मी भी है फिर भी आप एक पतला या कॉटन का जैकेट और ब्लैंकेट बेबी के डायपर बैग में रखो। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम हो रहा है और बेबी को ठंडा लग रहा है तो आप अपने बेबी को वो जैकेट पहना दीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला मेरा टिप है कि कैरी द प्रैम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कैरिड अलॉन्ग, मतलब हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम फ्लाइट में प्रैम ले जा सकते हैं कि नहीं, कहाँ तक हमें अलाउड करेंगे, तो आप प्रैम को एक्चुअल में ले जाके सिक्योरिटी के थ्रू पास करके उसके ऊपर टैग लगा के फ्लाइट के गेट तक ले जा सकते हो। गेट पे फ्लाइट के अटेंडेंट खड़े होते हैं, वो आपसे प्रैम को ले लेंगे और उसे होल्ड करके लगेज में डाल देंगे, तो आप आराम से प्रैम को ले जा सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और तो जब आप फ्लाइट से उतरोगे तो वहीं पे अटेंडेंट खड़े रहते हैं, तो आप उनसे बोलो कि बेबी का प्रैम लाके दे, तो वो आपको लाके दे देंगे और आप वहीं से ही बेबी को प्रैम में बिठा के ले जा सकते हो। आई वुड से अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास कोई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो और आपका बेबी बहुत ही छोटा है तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर अ हेल्प। सपोज आपको गर्म पानी की ज़रूरत है, वैसे तो हमेशा हम लेके जाते हैं, फिर भी आपके पास नहीं है और आपको गर्म पानी की ज़रूरत है, तो आपको जो फ्लाइट में अटेंडेंट होते हैं उनसे बोलो, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाए हुए टिप्स, आप उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। जब भी आप अपनी बीबी के साथ एयर ट्रैवल कर रहे हो तब आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जर्नी आराम से क्लियर हो जाएगा। और भी मेरे बेबी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मैंने लिंक्स उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हो। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।